आजकल पूछने की जरूरत नहीं है कि 1,86,000 पद क्यों खाली पड़े हैं हरियाणा में। आज पूछने की जरूरत नहीं है कि वे क्यों 32 बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। आज पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी गई है परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके। या ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आज 10 लाख के BPL जो कार्ड काटे गए हैं तो वो क्यों काटे गए हैं। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारे जो स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है, उन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित किसान के मजदूर के गरीब के कमेरे के बच्चे उसमें स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। और ये बेशर्म लोग 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए, 30,000 स्कूल आज खाली पड़े हैं, कहीं भी किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए टाट भी नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर बनाने के लिए 1 साल की फीस 42,000 थी और इस खट्टर ने उन गरीबों के लिए दलित के लिए जो फीस 10 लाख रुपए साल कर दी। 5 साल में क्या कोई 50 लाख रुपया कोई गरीब आदमी खर्च करके अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? ये दलित विरोधी पार्टी है, ये गरीब विरोधी पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये अदानी अंबानियों की पार्टी है, ये रईसों की पार्टी है। इस पार्टी से पहले तो हमारे जितने भी नेता हुए हैं सबने कहा कि इससे ही बच करके रहना, हमेशा पूरी जिंदगी बाबा साहब लड़ाई लड़ते रहे, पूरी जिंदगी चाहे हमारे सर छोटू राम हो, चाहे हमारे जो और जो हमारे जो जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं सभी ने कहा है कि इससे बच करके रहना, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल भी और दूसरे जो सभी कहते थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, सभी कहते थे कि ये सबसे खतरनाक पार्टी है। आज ये खतरनाक पार्टी राज में है, आज क्या हालत हो रही है देश में, किस तरह से हमें आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। मुझे बता, जैसा मेरे साथियों ने बताया, आप सबको बताया, पहली बार पूरे दक्षिण हरियाणा में किसी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहली बार मिला है। आपके आशीर्वाद से मुझे जो अध्यक्ष बनने का मौका मिला है तो इस अध्यक्ष पद की गरिमा रखने का काम आप सबका है। क्या आप इस अध्यक्ष पद की गरिमा रखेंगे? रखेंगे, एकदम पूरा हाथ उठा करके कहें। ये पूरी तरह से पूरे सारे जो है पूरे फरीदाबाद और लोकसभा की तो सारी सीट पहले कई बार बड़ी चूक हुई है और हतीर में बड़ी भारी चूक हुई, चूक तो मेरे यहां भी हुई, लेकिन आपके यहां घनी बड़ी चूक हुई। और वो लोग जो वोट का जो डिवीजन करते हैं, जो बांटते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी वोट बटेगी तो फिर ये BJP आएगी। आप पहले भी 2 बार गलती कर चुके हो, ये तीसरी गलती मत कर देना, अब भी वोट बट गई तो फिर बीच में से BJP निकलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, जिसको भी हरियाणा प्रदेश का जिस तरह से हुड्डा साहब ने जो कहा, जिस तरह से चहुमुखी विकास किया, आज कांग्रेस पार्टी है, आज हमने वादा किया है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हरियाणा में हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमारी पार्टी ने वादा किया है कि जो गरीबों को हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे उस स्कीम को हम दोबारा चालू करेंगे, और न केवल 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे बल्कि उसमें 2 कमरे का मकान, 1 लैट्रिन बाथरूम और किचन बना करके पूरा 2 कमरे का सेट हम गरीबों को बांटने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रत्येक 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी बिजली की बात आई थी, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है। बात यह है कि अगर हमारी सारी सीटें आती है, ताकत बनती है,
ताकत बनती है आप जनमत से, आप लोगों के से। तो यह समझ लो हुड्डा साहब के बाद में फिर चौधर हमारी है, यहाँ चौधर फिर हमारी है हुड्डा साहब के बाद में। एक काम नहीं रुकेगा और सरकार आवेगी तो जो नहरी पानी है ना जिसके लिए तरस रहे हो, जो पीने का पानी भी और नहर का भी पानी, किसी भी खेत ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पीने का सिंचाई का पानी उपलब्ध ना हो। नहरी पानी उपलब्ध कराएंगे, बिजली की पूरी व्यवस्था करेंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि मेरा हाथ मजबूत करो, आपके भारी बहुमत से, इसराइल को भारी बहुमत से यहाँ से जिता करके आपको यहाँ से बना करके भेजें, जिससे कि हमारा हुड्डा साहब के हाथ मजबूत हो, हमारे हाथ मजबूत हो, पार्टी का मजबूत हो। तो बस मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि मजबूती के साथ मैं एक बार आपसे अनुरोध भी करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरा समर्थन करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस अवसर पर आप इतनी भारी संख्या में आए और सभी जो हमारे गरीब समाज इतना भारी संख्या में आया उनके लिए भी, और सभी जो हमारा किसान वर्ग है, जो सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब चौधरी इसराइल जी भी धन्यवाद करेंगे। बहुत ही आदर के योग्य हमारे चार बार के रह चुके विधायक चौधरी गैलाल साहब, उनके वालिद साहब दो बार रह चुके विधायक, गिरिपकों के रह चुके चेयरमैन, और ऐसे महापुरुष, ऐसे इंसान जिनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस की लहर चल चुकी है और आज 70 तक पहुंच चुकी है। बहुत ही कर्मठ, बहुत ईमानदार, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, जहां आदमपुर जैसे हल्के में मैं हमारे अध्यक्ष मोदी जी के मैं साथ गया था, जिनको बच्चा बच्चा जा रहा था, और आदमपुर में कहां से कहां हमारी कांग्रेस की वोट पहुंची। ऐसे हमारे आदर के योग, ऐसे हमारे सम्मानित, हमारे वाले साहब के साथी आदरणीय चौधरी देवान जी, और आज के 132वीं स्वर्ण जयंती के मौके पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के पखवाड़े पर इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जाटो समाज के चौधरी मदन सिंह जी, हमारे कांग्रेस के तमाम फरीदाबाद के भाई आफ्ताब जी, विपक्ष के नेता उपनेता, और तमाम जनता गांव गांव से हर समाज हर वर्ग, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी तरफ से हाथ उठागे बोलिए, आप वादा करो हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ, आप अध्यक्ष महोदय के साथ हैं, और मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी, जिनके हवाले साहब हमारे बिना शर्त के सरकार बनाई थी, हम उनके साथ हैं। हाथ जोड़ हाथ आप उठागे, आप समर्थन दें, और हर हल्का में आप कांग्रेस की मदद करें, जो उनके हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है उस पर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम, जय कांग्रेस, जय। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।